नमस्कार, आइए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। आज की जो क्लास है वो BA पार्ट 1 का फर्स्ट पेपर है और आज का जो टॉपिक है वो अर्थशास्त्र की परिभाषाएं पार्ट 2 है। इसके पूर्व के वीडियो में हमने परिभाषाओं का जो पहला पार्ट था उसका अध्ययन किया था। आज जो अर्थशास्त्र की परिभाषाओं का दूसरा पार्ट है उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के जो क्लास थी उसमें हमने प्रोफेसर एडम स्मिथ, जेबी से और वाकर की परिभाषाओं का और इसके अलावा कल्याण संबंधी जो परिभाषाएं थी प्रोफेसर मार्शल की परिभाषाओं का अध्ययन किया था। आज हम जो तीसरा वर्गीकरण है अर्थशास्त्र की परिभाषाओं का वो है दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं या सीमितता संबंधी परिभाषाएं, और चौथा जो वर्गीकरण है वो प्रोफेसर JK मेहता का है आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषाएं। तो हम आज प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा का और प्रोफेसर JK मेहता की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरा जो वर्गीकरण है, पहला और दूसरा वर्गीकरण हमने इसके जो पूर्व के वीडियो थे उसमें अध्ययन किया था। तीसरा है दुर्लभता अथवा सीमित साधन संबंधी परिभाषा। दुर्लभता संबंधी जो परिभाषाएं दी है वो प्रोफेसर रॉबिन्स ने दी है। प्रोफेसर मार्शल की जो परिभाषा थी या कल्याण संबंधी परिभाषा थी उन परिभाषाओं की जो सबसे प्रमुख रूप से आलोचक रहे हैं वो प्रोफेसर रॉबिन्स रहे हैं, और उन्होंने एक नवीन प्रकार की परिभाषा दी है और वो परिभाषा है दुर्लभता संबंधी परिभाषा या सीमित साधन संबंधी परिभाषा। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रॉबिन्स थे और इन्होंने अपनी किताब एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र की एक नवीन अवधारणा को प्रस्तुत क्या है। इनकी किताब का नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ये इनकी किताब का नाम था और इन्होंने अपनी इसी किताब में अर्थशास्त्र की एक नवीन प्रकार की परिभाषा दी है। प्रोफेसर रॉबिन्स कहते हैं कि हमारी जो समस्या का मूल कारण है वो ये है
कि हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं, अनंत हैं, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के जो साधन हैं वो सीमित मात्रा में हैं। तो अर्थशास्त्र हमें इस बात की जानकारी देता है या इस बात का अध्ययन है कि हम अपने सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को कैसे पूरा करें। चलिए, जो अर्थशास्त्र की प्रोफेसर रॉबिन्स ने परिभाषा दी है उसे देखते हैं। वो कहते हैं, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों और वैकल्पिक प्रयोगों वाले अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों और वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित साधनों के मध्य पारस्परिक संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ये प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों और वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित साधनों के मध्य पारस्परिक संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। अब जो प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा है, इस परिभाषा की क्या विशेषताएं हैं या परिभाषा से हमें कौन कौन सी बातों की जानकारी मिलती है, आइए इसके बारे में जानकारी करते हैं। पहला है अनंत आवश्यकताएं, विशेषताएं। पहला है अनंत आवश्यकताएं, प्रोफेसर रॉबिन्स कहते हैं कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं या व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं वो अनंत हैं, कभी न खत्म होने वाली हैं। आज हम किसी आवश्यकता की पूर्ति कर लें, अगले दिन फिर वही आवश्यकता, या फिर हमें एक नवीन आवश्यकता महसूस होने लगती है, तो आवश्यकताएं जो हैं वो कभी न खत्म होने वाली हैं। और हमारी आवश्यकताएं बहुत हैं, हमारे पास हमारी इच्छाएं तो अनंत हैं, और हम उन सारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। तो पहली जो परिभाषा की विशेषता है कि आवश्यकताएं अनंत हैं। दूसरा जो है वो है सीमित साधन। प्रोफेसर रॉबिन्स की जो परिभाषा है, इससे जो दूसरी बात निकल करके आती है वो ये है कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो अनंत हैं, लेकिन आवश्यकताओं को पूरा करने के जो साधन हैं हमारे पास वो सीमित मात्रा में है।
वो सीमित हैं, यानी बहुत कम साधन हैं जिनसे कि हम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तीसरा है दुर्लभ साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। दुर्लभ साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। प्रोफेसर रॉबिन्स ये कहते हैं कि जो साधन हैं अगर उनका एक ही प्रयोग होता तो फिर कोई आर्थिक समस्या नहीं पैदा होती, फिर हमें चुनाव की समस्या करनी ही नहीं थी, क्योंकि जो साधन है उसका केवल एक ही प्रयोग हो सकता है। लेकिन समस्या तो तब आती है जब हमारे जो साधन है वो दुर्लभ है, सीमित मात्रा में है, और उन सीमित साधनों से हम कई प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, उनके कई वैकल्पिक प्रयोग कर सकते हैं। चौथा है वो है आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर। चौथी जो प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा की विशेषता है वो ये है कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं, पहला तो उन्होंने कहा कि हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं, अनंत हैं, लेकिन जो आवश्यकताएं हैं उनकी तीव्रता में भी भिन्नता है। कोई आवश्यकता इस प्रकार की है कि हमें उस आवश्यकता की पूर्ति करना अत्यंत जरूरी है, और जो दूसरी आवश्यकता है वो उससे कम जरूरी है, तीसरी उससे और कम जरूरी है। तो जो आवश्यकताएं हैं उनकी तीव्रता में भी भिन्नता है, ये प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा से निकल करके आता है। पांचवी जो विशेषता है प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषाओं की वो ये है कि आवश्यकताओं एवं साधनों में चुनाव करना पड़ता है। आवश्यकताओं प्रोफेसर रॉबिन्स कहते हैं कि जो आवश्यकताएं हैं उनकी तीव्रता में अंतर है, इसलिए हम किस आवश्यकता की पूर्ति करें इसके लिए हमें चुनाव करना होता है। दूसरा, प्रोफेसर रॉबिन्स ये कहते हैं कि जो साधन हैं वो सीमित मात्रा में है और साधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं, इसलिए हमें चुनाव करना पड़ता है। तो प्रोफेसर रॉबिन्स की जो परिभाषा है वो एक चुनाव की समस्या भी है, इस बात को बताती है कि व्यक्ति के लिए चुनाव की समस्या है, क्योंकि जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं और हम उन असीमित आवश्यकताओं में से कुछ ही आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि साधन हमारे पास सीमित मात्रा में है, इसलिए साधनों का और आवश्यकताओं का चुनाव करना पड़ता है। ये प्रोफेसर रॉबिन्स की जो परिभाषाएं थी उन परिभाषा की मुख्य बातें या विशेषताएं हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा की आलोचना, प्रोफेसर रॉबिन्स की जो परिभाषा है उसकी आलोचना भी हुई। तो आइए अब प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषाओं की आलोचना देखते हैं।
प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा की जो पहली आलोचना है वो है अर्थशास्त्र का क्षेत्र विस्तृत एवं सीमित दोनों हो गया है। अर्थशास्त्र का क्षेत्र विस्तृत एवं संकुचित आलोचक ये कहते हैं कि प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा से या प्रोफेसर रॉबिन्स की व्याख्या से ये बात निकल करके आती है कि उन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को बहुत विस्तृत कर दिया है। यहाँ पर भी चुनाव की समस्या है, वो आर्थिक समस्या है, इसलिए इसका क्षेत्र जो है वो अत्यंत व्यापक हो गया है। और प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को सीमित भी कर दिया है, ये आलोचक कहते हैं। दूसरी जो आलोचना प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषाओं की है वो है अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान नहीं है। अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान नहीं है। प्रोफेसर रॉबिन्स से कहते हैं कि अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है, ये आदर्श विज्ञान नहीं है। उनका कहना है कि अर्थशास्त्री को केवल इस बात की जानकारी देनी है कि क्या है और क्या होना चाहिए, इससे अर्थशास्त्र को कोई मतलब नहीं है। तो आलोचक इस बात की, प्रोफेसर रॉबिन्स की आलोचना करते हैं कि अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है। अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान नहीं है, यह आदर्श विज्ञान भी है। किसी भी विषय का तभी महत्व है जब वो समस्या क्या है इसके बारे में जानकारी दे और इसके बाद समस्या का समाधान क्या है इसके बारे में भी जानकारी दे, तभी उसकी महत्ता है। तो आलोचक कहते हैं कि अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान ही नहीं, आदर्श विज्ञान भी है, जबकि प्रोफेसर रॉबिन्स अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान मानते हैं। अगला जो आलोचना है, साधन एवं साध्य के बीच अंतर स्पष्ट नहीं। साधन एवं साध्य के बीच अंतर स्पष्ट नहीं। प्रोफेसर रॉबिन्स की जो परिभाषा है उससे साध्य क्या है यानी लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है और साधन क्या है, इसके बीच अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता है। आलोचक कहते हैं कि जो आज साध्य है कल वो साधन बन जाता है। इन दोनों के बीच जो अंतर है उसको प्रोफेसर रॉबिन्स सही ढंग से स्पष्ट नहीं कर पाए। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप कोई छात्र है वो बीए की डिग्री प्राप्त करना चाहता है, तो आज जो उसका लक्ष्य है, टारगेट है, साध्य है, वो बीए की डिग्री है। लेकिन जब वो बीए की डिग्री प्राप्त कर लेगा तो बीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद बीए की डिग्री उसे रोजगार प्राप्त करने का एक साधन बन जाएगी। तो आज जो साध्य है कल वो साधन बन जाएगा, इसकी इस बात की भी प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा की आलोचना आलोचक करते हैं। चौथी जो आलोचना है, निगमन रीति को प्रधानता दी गई है।
प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा में निगमन रीति को अधिक प्रधानता प्रदान की है, जबकि किस अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए निगमन और आगमन दोनों रीतियों की आवश्यकता है। जिस तरह से साइकिल या गाड़ी के चलने के लिए दोनों पहियों की आवश्यकता होती है, उसी तरह से अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए निगमन और आगमन दोनों प्रणालियों की आवश्यकता है। चौथा जो पांचवा जो आलोचना है प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा की, वो है मानव व्यवहार सदैव विवेकपूर्ण नहीं होता है। प्रोफेसर रॉबिन्स ये कहते हैं कि मानव का व्यवहार सदैव विवेकपूर्ण होता है, जबकि आलोचक ये कह रहे हैं कि मानव का व्यवहार सदैव विवेकपूर्ण नहीं रहता है। वो किसी उसकी कार्यप्रणाली में तमाम प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। जब वो अपने सीमित साधनों का खर्च करता है साधनों को, तो खर्च में उसके केवल विवेकपूर्ण व्यवहार ही नहीं, अन्य तमाम प्रकार के जो व्यवहार हैं वो भी उसको प्रभावित करते हैं। अगली जो आलोचना है छठी, वो है आर्थिक समस्या प्रचुरता से भी उत्पन्न होती है। आर्थिक समस्या प्रचुरता से भी उत्पन्न होती है। प्रोफेसर रॉबिन्स से कहते हैं कि जो आर्थिक समस्या है वो केवल सीमितता के कारण से उत्पन्न होती है। हमारे पास जो साधन है वो सीमित मात्रा में है, इसलिए आर्थिक समस्या उत्पन्न हुई। लेकिन आलोचक ये कहते हैं कि केवल सीमितता के कारण से ही आर्थिक समस्या उत्पन्न नहीं होती, प्रचुरता के कारण से भी आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है, जैसे कि जनसंख्या में वृद्धि। ज्यादा जनसंख्या होने पर भी आर्थिक समस्या उत्पन्न हो रही है। अगली जो आलोचना है नंबर सात, वो है स्थैतिक दृष्टिकोण। नंबर जो सात है वो है स्थैतिक दृष्टिकोण। प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा में एक जो आलोचना है परिभाषा की, वो ये है कि ये अर्थशास्त्र को स्थैतिक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं या स्थैतिक दृष्टिकोण प्रदान करती है। तो इस तरह से हमने प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा की, विशेषताएं क्या हैं और आलोचनाएं क्या हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम प्रोफेसर मेहता की परिभाषा के बारे